नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए आर.के. नारायणन की लिखी हुई फेमस शॉर्ट स्टोरी एम.सी.सी. की समरी हिंदी में लेके आया हूँ। एम.सी.सी. जो स्टोरी है ये एक्चुअली आर.के. नारायणन का फेमस वर्क, एक्चुअली उनका फर्स्ट वर्क स्वामी एंड हिज फ्रेंड, जो कि उनका फर्स्ट नॉवल था, 1935 में पब्लिश हुआ था, उसका एक चैप्टर है। इस तरह एमसीसी के एक ड्यूअल स्टेटस है। आप इसे एक शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ सकते हैं और इसे स्वामी एंड हिज फ्रेंड के अंदर कंटिन्यूस भी पढ़ सकते हैं। स्वामी और हिज फ्रेंड्स जो है ये 1930s के ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया में सेट है, जिसमें पहले वो स्वामी और उसके चार मेन फ्रेंड्स जिनका नाम है सोमू, शंकर, मनी और पी, इनके बारे में बताता है। उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है और किस तरह से ये लोगों में जो अलग अलग डिफरेंस है वही इनकी दोस्ती को बनाता है, वो सब कुछ बताता है। कहानी में ट्विस्ट आना तब स्टार्ट होता है जब राजम जो है, जो कि मालगुड़ी के नए पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है, वो आता है। स्वामी और उस मनी जो है वो राजम को पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में सब लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इस तरह स्वामी की जो फ्रेंडशिप है वो राजम से स्टार्ट होती है। उससे पहले सोमू, शंकर और पी को प्रॉब्लम होती है, पर बाद में राजम सबको कन्वेंस कर कर इन लोगों का लीडर बन जाता है। ये तो है स्वामी और हिज फ्रेंड्स की बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं द एमसीसी। जब स्वामीनाथन मालगुड़ी में एक इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिशियन को पकड़ा जाता है तो उसके विरोध में एक जुलूस निकलता है और स्वामीनाथन उस जुलूस को ज्वाइन कर लेता है। इस जुलूस को ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर देशभक्ति का बुखार चढ़ता है। तब स्वामीनाथन हेडमास्टर के ऑफिस पर पत्थर मारकर उनकी खिड़की तोड़ देता है। राजम के पापा आकर सारी भीड़ को अलग अलग कर देते हैं, जिसके बाद में बहुत सारे लोगों को चोटें लगती हैं और स्वामी उस जुलूस में जाता है। इस जुलूस से स्वामी को अपना स्कूल भी बदलना पड़ जाता है और स्वामी की जो दोस्ती है राजम के साथ वो भी खतरे में पड़ जाती है। पर स्वामीनाथन अपनी काम के लिए माफ़ी मांगकर राजम से माफ़ी मांग लेता है। इसके बाद स्वामी राजम के साथ एक नई क्रिकेट टीम जिसका नाम है द एमसीसी, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, उसे ज्वाइन कर लेता है। एक मैच स्टार्ट होता है दोनों के बीच में, द एमसीसी और एक और टीम है जिसका नाम है लोकल यूथ टीम, द YMU। दोनों के बीच में एक मैच तय होगा हो जाता है कि हम इस तारीख को मैच करेंगे। पर इस मैच से पहले राजम और स्वामी के अंदर टेंशन हो जाती है। स्वामी प्रैक्टिस को अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि नए स्कूल में उसको बहुत सारा होमवर्क मिलता है और वो बार बार प्रैक्टिस में नहीं आता, जिससे राजम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर भैया तू मैच में नहीं आया तो मैं कभी तेरे से बात नहीं करूँगा। स्वामी अपने हेडमास्टर को फुसलाने की पूरी कोशिश करता है कि मेरे को जल्दी जाने दो ताकि मैं वो जो मैच है एमसीसी की प्रैक्टिस में जा सकूं। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी जब हेडमास्टर साहब परमिशन नहीं देते हैं तो हेडमास्टर की जो कैन, जिसे वो उठा के बच्चों को पीटा करता है, उस कैन को ये दे जाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद में फेंक देता है, इसे उसको लगता है भी मास्टर साहब मेरे को बहुत मारेंगे, तो स्वामी जो है स्वामीनाथन मालगुड़ी से भाग जाता है। अब मालगुड़ी से वो गायब हो जाता है। जब तक उसको ढूंढ लिया जाता है, पकड़ा जाता है, उसको लेके आते, तब तक वो एमसीसी का मैच मिस कर चुका है और राजम से उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाती है। मनी से उसे पता चलता है कि राजम के पापा का नए शहर में ट्रांसफर हो गया है और बच्चा भी उसके साथ जाएगा, तो स्वामीनाथन कहता है कि चलो मैं राजम को लास्ट टाइम ट्रेन स्टेशन पर जाकर गुड बाय बोल दूं और जाते समय उसे एक बुक गिफ्ट कर दूं, वो मेरा पार्टिंग गिफ्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन राजम को जाना होता है ट्रेन स्टेशन पे बहुत भीड़ होती है और स्वामीनाथन
राजम तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे ही ट्रेन जाने लगती है, मणि जो है वो स्वामी को भीड़ से निकाल कर ले जाता है और राजम के सामने खिड़की के पास खड़ा कर देता है। राजम स्वामी से बात करने से मना कर देता है, तब मणि स्वामी की जो बुक है उसे राजम को गिफ्ट कर देता है। मणि राजम स्वामी को चुप कराने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि राजम जो है वो तुझे लेटर लिखेगा, और उसने उसकी बुक स्वीकार कर ली है। हालांकि स्वामी पर स्वामी को मणि का विश्वास नहीं होता, और ये जो स्टोरी है ये एक एम्बिग्विटी और अनसर्टिनिटी में एंड होती है, जिसका पता हमें मणि के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। इस तरह ये स्टोरी एंड होती है। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको स्टोरी समझने में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।